नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमय प्रधान और मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका चैनल बाबा बाबा जी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिप्लाकिटिन टेबलेट के बारे में, जैसे कि उज्जैस बेनिफिट साइड इफेक्ट, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग में वेट गेन कैप्सूल और वेट बढ़ाने की मेडिसिन का आज भी बोलबाला है, इनमें से एक है सिप्लाकिटिन। इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादातर नकली फूड सप्लीमेंट में सिप्लाकिटिन और डेकाडिन की इस्तेमाल किया जाता है। आम भाषा में दोनों को सिप्लाकिटिन और डेकाडिन बोल देते हैं। कुछ अर्सा पहले भिवानी में जो नकली फूड सप्लीमेंट की कंपनी पकड़ी गई थी, वहाँ अटा वगैरह के अलावा इन दोनों दवाओं के सैकड़ों पत्ते मिले थे। मिलावट के अलावा वैसे भी सिप्लाकिटिन का गैर वाजिब तरीके वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम तो कुछ और है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट में भूख बढ़ाने शामिल है, इसलिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। सिप्लाटिन 4 mg टेबलेट का मैन्युफैक्चर सिप्ला कंपनी करता है। इसका 1 strip का प्राइस 34 rupees है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो क्लियर स्काई फार्मासिस्ट एंड सिप्ला मोड के मुताबिक सिप्लाकिटिन के एक दो नहीं दर्जन नुकसान है। इसके ओवरडोज से मौत भी हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट में नशा और नींद जैसा महसूस होना, चक्कर आना, दिमाग और बॉडी के तालमेल में गड़बड़ी, कन्फ्यूजन, बेचैनी, बहुत एक्साइटमेंट महसूस होना, घबराहट होना, झटके लगना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, इसी तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। आमतौर पर एक जवान शख्स जिसका उम्र 18 से ऊपर है, इसकी 4 mg की गोली दिन में 2 से 3 बार लेता है। ये दवा एलर्जी से जुड़ी परेशानियों को ठीक करने में इस्तेमाल होते हैं, मगर वजन बढ़ाने में दीवानगी में लोग बिना डॉक्टर से पूछे इसे खाते हैं। भूख बढ़ने के चलते लोग ज़्यादा खाने लगते हैं और इसे वजन बढ़ने लगता है। हालांकि वजन बढ़ाने के लिए हमारे पास वेट गेन कैप्सूल के अलावा भी कई रास्ते मौजूद हैं, जिन्हें बिना किसी साइड इफेक्ट के परमानेंट वेट गेन होता है। दरअसल दुबले पतले लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर क्या खाना है और कितना खाना है, वजन कैसे बढ़ाना है। इसके लिए हमने वजन कैसे बढ़ाएं इनके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि वजन बढ़ाने के लिए भारत डाइट चार्ट भी दिया है, जिससे कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसे क्या और कितना खाना है। इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको तमाम लोग मिल जाएंगे जो कि सिप्लाकिटिन से वजन बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होंगे। कोई इसे खाने का तरीका पूछ रहा है, तो कोई इसके साइड इफेक्ट के, तो कोई अपनी कहानी सुना रहा है कि वो कैसे इसे खाने से वेट बढ़ा लिया। जाहिर सी बात है कि जिस दवा की आप ज़रूरत नहीं है उसे खाएंगे तो नुकसान करेगा ही, मगर लोगों के मानते ही नहीं। ये मेडिसिन वेट बढ़ाने के मकसद से नहीं बनाया गया है, इसलिए भूख बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना गैर वाजिब है। अगर आप किसी भी सूरत में इस दवा का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। जब भी वेट गेन कैप्सूल का यूज करें, उससे पहले अपना लीवर प्रोफाइल टेस्ट करवा लें। अगर लीवर ठीक नहीं है तो इनका कतई इस्तेमाल ना करें। एक बार इन्हें यूज कर लिया तो उसके बाद फिर अपना लीवर प्रोफाइल करवाएं, ताकि ये देखा जा सके कि लीवर पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा है। वेट बढ़ाने की मेडिसिन का लंबे टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सिप्लाटिन जैसे दबाव को वेट गेन करने के लिए मत यूज कीजिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट के चलते आपका मौत भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट स्क्रीन में कमेंट करें, और इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।